गाइस 4 मिलियन के लिए वेट कर करके थक चुके हैं, तो प्लीज अगर सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब कर दो यार। आपके एक सब्सक्राइब से शायद मेरा दिन बन जाए, सो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन प्लीज। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा, गारू विष्णु को बचाने के लिए आता है, लेकिन खेल कभी इधर पलट रहा था कभी उधर पलट रहा था। विष्णु बचने के बावजूद फंस जाता है क्योंकि वहां गारू फंस चुका था और हमारी नव्या को गोली भी लग चुकी थी। जैसे ही डॉक्टर गारू को बताता है कि नव्या अब नहीं बच सकती, गारू निकल जाता है विष्णु को बचाने। अब देखते हैं आगे क्या होता है। उन्होंने तो बोला था यहीं पे होंगे सब लोग, लेकिन यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा, ना ही विष्णु और ना ही वो गुंडे। लगता है उसे गलत फहमी हुई थी, मुझे उससे कॉल करके पूछना चाहिए। हेलो, ये कर क्या रहे हो तुम? इतने पैसे क्या फ्री में खिलाए तुम्हें? एड्रेस भी गलत है, यहाँ एक भी गुंडे नजर नहीं आ रहे। अरे सरदार, खबर तो पक्की थी, पता नहीं हुआ क्या है। हुआ कुछ नहीं है, बस अब मेरा दिमाग घूम चुका है, और जब मेरा दिमाग घूमता है ना, गारू सबकी बचा डालता है। तेरी भी पारी आ रही है लगता है। अरे सरदार, माफ करता हूँ, मेरी क्या गलती है, मैं पता करता हूँ वो कहाँ है। ये गाड़ियों की आवाज, अरे ये क्या, जल्दी कॉल रख, एक सेकेंड। लॉन्डे ने क्या गेम खेला है, मजा आ गया। साला गारू यही कहीं छिपा होगा, देखो रे। और आज बनाएंगे गारू का तो एंड, अंतिम दिन। सेट, अभी गलत जगह फंस गया हूँ। अगर यहाँ से निकलने की कोशिश की तो पकड़ा जा सकता हूँ। एक काम करता हूँ, उन्हीं से कॉल करके पूछता हूँ क्या करना चाहिए। हेलो हेलो, मेरी बात ध्यान से सुन। सारे गुंडे अचानक से आ गए हैं और बगल वाले रूम में जस्ट फंसा हुआ हूँ, क्या करूँ? बगल वाले रूम में ही रहो गारू भैया, बाकी मैं देख लेता हूँ। जो भी करना है जल्दी कर, दिमाग फट रहा है मेरा। सरदार, गारू का पता चल गया, जस्ट बगल वाले रूम में है, वहीं पकड़ लो जाके, और हम लोग भी आते हैं बीमा शक्ति। शाबाश मेरे सेठ, आ जा। अरे बेटा, हमको बुड़बक समझता है, बगल वाले रूम में है ना, पकड़ो साले को, पकड़ के खींच के लाओ इधर। अपने आप को हमारे हवाले कर दो, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, समझा? तुम लोगों को पता कैसे चला मैं यहाँ पे छुपा हूँ? हाँ, वो तो तुम्हें सरदार बताएंगे बेटा, चलो तू सही। और बेटे गारू, हल्के में लेना पड़ गया ना भारी। नव्या को तो नहीं बचा पाया, लेकिन याद रखना, विष्णु को जरूर बचाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे पहले खुद को तो बचा ले बेवकूफ, आज तुझे कोई नहीं बचाएगा। और सन, भूल गया वो दिन जिस दिन तुझे तड़पा तड़पा के मारा था? याद दिलाऊं? याद है मुझको, तूने कहा था तुमसे नहीं रूठेंगे कभी। हाँ याद है, उस दिन हारा था क्योंकि मैं और विष्णु अलग अलग लड़ रहे थे। जब साथ में लड़ेंगे ना तो कैसी फटेगी तुम्हारी, ये मुझे भी पता है। और विष्णु ने फिर से साथ छोड़ दिया तो वो साथ छोड़ेगा, वो मर जाएगा, लेकिन मेरे अगेंस्ट कभी नहीं होगा, क्योंकि वो भी जानता है मैंने उसके लिए कितना किया है। और गारू भैया कैसे हो, कैसी लगी? अबे तुम लोगों ने भी धोखा दे दिया, साफ बात सुन बे झांटू लोग। जब मारूंगा ना कुत्ते की मौत, तब तुम्हारी फटके हाथ में आ जाएगी और तब चिल्लाओगे तुम, गारू भैया माफ कर दो। अकेला हूँ इसलिए शेर बन रहे हो, बस विष्णु आ जाता ना, तुम्हारा खेल तो यूं खत्म कर देता मैं। गेम खेलते खेलते थक जाओगे, लेकिन विंजो पर गेम्स कभी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ है क्रिकेट, लूडो, फ्रूट फाइटर, सीप बैटल जैसे 70 से भी ज्यादा एक्साइटिंग गेम्स। जैसी स्किल्स वैसी गेम्स, तो खेलो और जीतो लाखों के कैश रिवॉर्ड्स, और डायरेक्ट विड्रॉ करो पेटीएम, यूपीआई या बैंक में। सिर्फ गेमिंग नहीं, शॉपिंग भी करो विंजो स्टोर पर, मिलते हैं एस्फाल्ट, माइनक्राफ्ट, फ्री फायर गेम्स की करेंसी सबसे सस्ते दाम पर, और बिग बाजार, डोमिनोज, मिंत्रा, हॉटस्टार, गाना जैसे कई बड़े ब्रांड्स के डिस्काउंट कूपन्स भी। इतना ही नहीं, रोज विंजो स्पिनर घुमाओ और जीतो रिवॉर्ड्स रोजाना, 10 दिन लगातार स्पिन स्ट्रिक बनाकर जीतो बाइक, स्मार्टफोन और वीकली जैकपॉट ऑफ अप टू 25 लाख। अब विंजो पर इतना कुछ है और कितना बताऊं, विंजो डाउनलोड करो और खुद एक्सपीरियंस करो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। चल कुछ गहरे राज खोलता हूं तेरे सामने,
कौन हो बे और क्या चाहिए? सरदार, वो गारू भैया ने आपका लोकेशन पता करने बोला है और उसके बदले 10 लाख देगा। आप 20 लाख दोगे तो बताओ, मैं आपके साइड हो जाऊंगा। अरे तुम तो बहुत बड़े वाले दोगले निकले, 20 क्या 30 ले जाना। और सुन, बता दे उसको हम लोग भीमा शक्ति पे हैं, बाकी हम देख लेंगे। जी सरदार, काम हो जाएगा। इन गरीबों ने हमारा काम आसान कर दिया। गारू को बोलता तो वो 50 भी दे देता। साले गद्दारो, वैसे छोड़ो, तुम्हें तो मैं बताऊंगा, तुम्हारे पिछवाड़े में आलू बम डाल के फोड़ूंगा बे। विष्णु, विष्णु तू आ गया? अब बोलो बे सालो, आ गया मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा जिगरी। तुम्हारा क्या होगा कालिया? बेटा तुमको लगता है तुम हमको हरा दोगे? आ जाओ, कर लेते आर पार की लड़ाई। आ जाना साले, डरता हूँ क्या? गारू चुपचाप से बैठ जा, अपने आप को हमारे हवाले कर दे, वरना गोली सीधे भेजे में डाल दूंगा। विष्णु, तू कह रहा है ये? हाँ, तुझसे ये उम्मीद है मुझे। शुक्रिया दोस्त। अरे गारू, तो शुरू से मतलब ही था, लड़की के लिए दोस्त को भूल जाता है। उस दिन जब ये मुझे ले जा रहे थे, तूने उसे चुना मुझे नहीं, दिल टूट गया था मेरा और सोच लिया था तुझे तो मैं ही मारूंगा। हाँ तो मारना, हाँ तो मारना, सामने खड़ा हूँ, गोली चला है मत चलाना बे। अरे ये लोग बैठ गए, जल्दी आओ विष्णु, गाड़ी में बैठ, निकलते हैं यहाँ से। हाँ, मन में तो आ ही रहा होगा, क्या हुआ ये, विष्णु पलट कैसे गया? चलिए मैं बताता हूँ। उस दिन विष्णु ने गारू को कॉल करके सब कुछ बता दिया था कि वो लोग उसके खिलाफ भड़का रहे हैं, और उस दिन विष्णु ने साफ साफ बोला था कि मैं धोखेबाज बनने का नाटक तो जरूर करूंगा, लेकिन मैं धोखा कभी नहीं दूंगा। विष्णु, अब हम यहाँ से बच के निकल सकते। ये क्या, सामने कौन है? अबे पागल, गाड़ी हटा। अरे यार, इससे तो मैं क्या बताऊँ, कितना गंदा इसके चलते फंसे। कौन है तू? मेरा बेटा है वो। अरे बेटा इधर आओ, उधर क्यों खड़े हो? अरे पापा, तो इनके ही वजह से मेरे भाई की जान गई है ना, और छोटी भी इसी के कारण मरी है ना पापा। हाँ बेटा, सारे चीजों का जिम्मेदार साला यही है, इसी ने सब कुछ किया है, लेकिन अब ये बच के जाएगा नहीं। आखिरी गिनती चालू कर दे बे साले। ना पहले ना अभी, आज तक मैंने तेरा कुछ बिगाड़ा नहीं था बे। असल में दुश्मनी तो इस सिद्धार्थ से थी, तेरे बेटे के मरने का पीछे का रीजन भी सिद्धार्थ है, और तेरी बेटी के मरने का पीछे का रीजन तू है, क्योंकि गोली तूने चलाई थी। मैं तो नव्या से प्यार करता था बे। ए चुप रे साले, वरना यही खोपड़ी खोल दूंगा। लेकर चलो रे सालो को, बहुत चर्बी हो गई आज, सारी चर्बी एक बार में उतारंग है। आगे तो यही होने वाला है ना हमारा एंड, मतलब लाइफ रिकॉल का एंड है ना? नहीं बेटा नहीं, तू जिंदा तो नहीं छोड़ेगा हमें, इतना तो मुझे अच्छे से पता है। तुझे एक बार में मार दूंगा तो मजा नहीं आएगा, तुझे अपना कुत्ता बना के रखूंगा, रोज मारूंगा, रोज तड़पाऊंगा, तब मजा आएगा ना बेटा। तुझे अभी भी बोल रहा हूँ, मार दे मुझे और विष्णु को, वरना अगर किसी दिन बच गया ना, जब बस साले तू सिखाएगा मुझे। आज कसम से दोनों को घुटने के बल देख कर इतना मजा आ रहा है, पूछो मत। अब तुम्हें कोई नहीं बचाएगा, तुम्हें रहना होगा हमारे कैद में हमेशा के लिए, हमारा कुत्ता बन के। लेके चलो रे इनको क्लॉक टावर। बैठा किन्हीं दूर में होके मजबूर में, रब्बा तेरी कितना दी सजा पा।
पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है, तुम्हें नहीं मालूम? चलो देखो अब। ऐसा चलता रहा तो गारू और विष्णु मर जाएंगे। मैं कैसे बच गई यही सोच रहे हो ना? चलो बताती हूँ। अरे ये क्या, इनकी कंडीशन तो सुधरती जा रही है, मतलब ये बच सकती हैं। सर जल्दी आइए, ये बच सकती हैं। फिर क्या होना था, डॉक्टर साहब इतने पैसे फ्री के थोड़ी लेते हैं। डॉक्टर साहब ने बचा लिया नव्या को। अब इन्हें बस एक ही इंसान बचा सकता है, अभिनंदा। अभिनंदा आपकी जरूरत है, प्लीज आ जाइए। मेरी जरूरत, कमिंग बेबी। बेटा गारू और विष्णु की जिम्मेदारी तुझे दे रहा हूँ। मैं और सिद्धार्थ जा रहे हैं यहाँ से। इनको डेली मारना, डेली तड़पाना, अपने भाई और बहन के अच्छे से बदला लेना। मैं संभाल लूंगा पापा, अब जाओ। आखिर कब तक आप संभालोगे? मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं देख लूंगा। ये गारू और विष्णु को तो कुत्ते की मौत मारूंगा, वो भी डेली। साले ने मेरे भाई और बहन दोनों को छीन लिया। बेटा आज फिर से बोल रहा हूँ, मुझे और विष्णु को मार दे। अगर किसी दिन किसी ने हमें बचा लिया ना, तो तू जैसे ही हमें देखेगा तेरी गांड की टट्टी सूख जाएगी बे। अमृत बेटा, जरा तुम रोज इनकी टट्टी सुखा देना, हम लोग चलते हैं। और ये भ्रम में जीना बंद कर बिस्सालो, कोई नहीं है तुम्हारा, कोई नहीं आएगा तुम्हारे लिए, लिख के ले ले बे भड़वो। चलो रे बाहर, पैक कर दो सालों को अंदर। बेटा हम लोग चलते हैं, अगर तुझे हमारी कभी भी जरूरत पड़े तो हम तुझे पोचिनो के हवेली पे मिल जाएंगे, आ जाना। जी पापा जरूर। तो भाई कैसे हैं आप लोग? तुम चिंता मत करो नव्या, तुम फैक्ट्री चली जाओ, मैं आता हूँ गारू और विष्णु को लेके। ये सब चिरकुट लोग अभिनंदा को मारेंगे। हाँ, अभिनंदा को कोई मार दे, मजाक है क्या? प्लीज गारू को बचा लेना, बहुत प्यार करती हूँ। वो दिखता है नव्या, अगर तुम अपने बाप के खिलाफ हो सिर्फ गारू को पाने के लिए, देन इससे ज्यादा प्यार कौन कर सकता है। तुम बेफिकर जाओ, मैं आता हूँ दोनों को लेके। कितना पावर है उनके पिछवाड़े में, आज करूंगा चेक। अरे पब्लिक बताओ कैसा लग रहा है, अभिनंदा इज बैक। अभिनंदा के आ जाने से मच जाता है हाय। अरे जल्दी से कर दो मेरे भाई लाइक, मेरी शादी होगी तो मैं बैठूंगा घोड़ा पे, और इनकी बर्बादी होगी तो ये बैठेंगे अभिनंदा के। समझदार लगते हो। क्या बताऊं छोटे, आजकल जिंदगी। अरे ये क्या, बाथरूम में कौन है हमारे? छोटू मेरे साथ जल्दी आ, कोई तो है बाथरूम में। सरदार यहाँ तो कोई नहीं है। हो ही नहीं सकता, मैंने अभी तुरंत यहाँ पे। अरे देख यहाँ से भाग रहा है वो, जल्दी से जाओ, उस रूम में गया है वो साला। अरे क्या हो गया मेरे भाई, उठ, किसने मारा तुझे, किसने? हाँ सरदार हट तो यहाँ से। If you think you are bad, then I am your dad. स्वागत नहीं करोगे अपने पिता श्री अभिनंदा का? अरे आओ आओ, पहचानते हो मुझे? आपका अभिनंदा हूँ ना, मैं जानता हूँ आपको। साले तू मेरे बाप को जानता नहीं है, वो जान गए ना, मार डालेंगे तुझे। किसके पिछवाड़े में इतना दम हो गया कि अभिनंदा को हाथ लगा दे? हाँ अभिनंदा को कोई मार दे, मजाक है क्या?
अभिनंदन सर आप यहाँ, माफ कर दो सर, माफ कर दो। चूतियों की चाटने के बाद माफ भी नहीं मिलती साले। विष्णु बाहर गंदी फाइट हो रही है, जल्दी से तोड़ना पड़ेगा, यही बच के निकलने का मौका है, जल्दी तोड़। ये क्या अभिनंदा, आप यहाँ कैसे? बाद में बताता हूँ, पिक्चर अभी बाकी है। आपको अगर अभी तुरंत जानना है अगले पार्ट में क्या होने वाला है, देन लास्ट तक वीडियो को देखो। एंड नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी से जल्दी चाहिए, देन आपको सबसे मेन चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, एंड 50 के लाइक्स का एम कंप्लीट करना होगा। एंड जल्दी से जल्दी कम से कम 5K टू 10K कमेंट्स तो कर ही दो यार, कैसी लगी वीडियो बताओ, कुछ भी कमेंट करो, मतलब कमेंट करो ही करो। एंड क्या होने वाला है अगले पार्ट में, क्या है मसाला, कैसे होगा अभिनंदा, ये वो फलना ढिकना देख लेंगे। एंड अगर अभी तुरंत जानना है आगे क्या होने वाला है अगले पार्ट में, देन इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जल्दी से जाओ फॉलो के बटन पर दबा देना इंस्टाग्राम पे, एंड स्टोरी चेकआउट करो, स्टोरी पे मैं बता दूंगा अभी कि क्या होने वाला है अगले पार्ट में, सो जल्दी से फॉलो कर लेना याद से।